सेल्फ एब्टेन करेंगे उसमें सबसे पहले आप ये जहन में रखना है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो क्या होता है। इस तरह जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई होती है, मैथमेटिकल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आप देखें ये बेस है आपके पास, ये हाइपोटेनस है और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें जो हाइपोटेनस होता है उसका अगर हम स्क्वायर लें, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर लें और इसको बेस के स्क्वायर के साथ अगर हम प्लस कर दें, आपके पास ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कहने का मतलब ये तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लें और बेस का स्क्वायर ले लें, इन दोनों को प्लस कर लें, वो इक्वल होगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर इस तरह का कोई ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है, इस तरह का हो जाए या एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाए कोई भी, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में साइड के नेम भी आप लिख सकते हैं, इस तरह आप इसका नेम रखें साइड का ए, और यहाँ से स्टार्ट करें ए बी और ये बन जाएगा सी। ठीक है, कैपिटल में आप इनके नेम रखते हैं, आपकी तरतीब यही रहनी चाहिए। ठीक है, ये जहन में रखना है आपने। अच्छा, इसमें याद रखें कि कॉर्नर ए या एंगल कॉर्नर ए या एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी ना वो स्मॉल ए से उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कॉर्नर बी के सामने वाली जो साइड होगी उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यानी हाइपोटेनस आपके पास क्या है, सी है, इसकी जगह आप सी लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, उसके बाद बेस आपके पास क्या है, बी, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो एक्चुअली ये भी आपके पास क्या है, पैथागोरस थ्योरम है, इसको यूं भी लिख सकते हैं आप। समझ आ रही बात, इसको मैंने कैसे लिखा, पहले आपने ए बी और सी लिखे हैं, इनके सामने वाली अपोजिट साइड के आपने नेम रखने हैं, इनके नेम से। ठीक है, अगर ये कैपिटल है तो उसको आप स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास पैथागोरस थ्योरम बन जाएगा। ठीक है, अब वो ये कहते हैं 15 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया होगा, वो कहता है आपको कुछ साइड गिवन है, ए 5 बी 12 सी 13, यानी ए आपके पास क्या है 5, बी क्या है 12 और सी क्या है 13। अब वो ये कहते हैं कि बताओ क्या ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल की है या नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इन साइड को हम इसके अंदर पुट करेंगे, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ये वाली जो साइड है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो आपको पता चल गया है। ठीक है, यानी वो इस तरह का ट्राइंगल बनाएंगे। क्लियर, पक्की बात है। चलो, अब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, तकरीबन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में, एक टाइम में जरूर आएगा शॉर्ट में। ठीक है, तो आइए इसको इसके अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिखेंगे वो क्या है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं साथ आपको ये भी बता दूं कि पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है दो नंबर का, राइट द पैथागोरस थ्योरम, दो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपने क्या लिखना है, सिर्फ ये लिख लें बस, या ये लिख लें, जो मर्जी लिख लें आप, आपको दो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी अच्छी तरह आप याद कर लें। एक अच्छा, सी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। ए की जगह पर आपने क्या लिखा है, 5 लिखेंगे, और बी की जगह पर आपने क्या लिखा है, 12 लिखना है। ये बन जाएगा 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 12 का था 144, 169, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो साइडें है ना ये राइट, इनसे अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे ना तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही,
तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट आप क्या देंगे, द गिवन साइड आर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये जो दी गई साइड है वो किसकी है, राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड है, ठीक है। तो आई थिंक आप इसके जो बकिया क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्या देंगे, द गिवन साइड आर नॉट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है। आगे चलें, इसका क्वेश्चन नंबर टू है, उसमें कहता है वेरीफाइड है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड टू ए बी आर द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ए एंड बी एनी टू रियल नंबर ए ग्रेटर है किससे, बी से। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर, यानी इसमें वो ये कह रहा है कि आपने बताना है कि क्या ये जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो आइए चेक करते हैं क्या ये राइट एंगल की साइड्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, जो फर्स्ट साइड है, क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर वन था इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, वो करवाया। जो फर्स्ट साइड है वो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थर्ड साइड क्या है, टू ए बी। ऐसी चलिए हम लेट कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर हम इसको यू बनाएंगे, कैलकुलेटर वो जो करें जरा बेटा। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप लेट कर लेंगे, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये तीन जो साइड गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल की है या नहीं है, ये चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने आपको एक इसका मेथड बताया, आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्टेटमेंट आप देंगे जो जरूरी है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर। सी की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मुझे बताइएगा जरा, ये पुट कर सकता हूँ क्योंकि ये सी होता है ना, हाइपोटेन्यूज होता है, इसकी जगह पर लिखूंगा टू ए बी और ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ए की जगह पर क्या लगाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। बी की जगह पर क्या लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अच्छा देखिए, टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और बी के ऊपर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर ओपन कीजिए, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, क्लियर। अच्छा फिर इसको भी ओपन करो, इसको भी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी, समझ आ रही बात, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब देखें जरा, ये फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे रहेगा, ये बन जाएगा ए फोर प्लस, ये बन जाएगा बी फोर, ये टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए फोर प्लस बी फोर माइनस टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब दो जो कीजिएगा, इसमें कुछ वैल्यूज कट हो रही हैं, ठीक है, जिस तरह आप ये देखें माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट हो जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर आएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए फोर और ये ए फोर मिलकर क्या आएगा, टू ए फोर बी फोर, और ये बी फोर मिलकर क्या आएगा, थ्री बी फोर। तो क्या ये दोनों साइड सेम आ रही हैं, किसी भी तरह ये सेम नहीं आ रहे, इनको सेम आना चाहिए था। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री, द थ्री साइड ऑफ द ट्राइंगल आर मेजर ए एक्स एंड 17 रिस्पेक्टिवली फॉर व्हाट वैल्यू of x will be the become base of the right angle triangle। कहते हैं कि आपने x की value यहाँ पर find करनी है, ठीक है। अब जो x है ना, वो क्या हो, वो इस triangle का base बन जाए, यानी आपके पास तीन side है, एक 8 है, एक x और दूसरा क्या है 17 है,
वो यही कह रहे हैं कि बताएं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइज तो है लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर ये बेस में आए तो। देखें आपके पास ये ट्राइंगल है राइट एंगल, उसने खुद बता रही है राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कहते हैं कि एक्स किधर आएगा, बेस में आएगा, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। एक्स अगर बेस में है तो 8 किधर होगा, 8 इधर होगा, क्यों, क्योंकि 17 एक ग्रेटर नंबर है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हाइपोटेनस के ऊपर आती है, ठीक है, तो 17 इधर आ जाएगा। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाने a स्क्वायर + b स्क्वायर, c की जगह पर क्या आएगा, 17 आएगा, और a की जगह पर क्या आएगा, 8 आएगा, और बेस की जगह पर क्या आएगा, x आएगा, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर, क्लियर। अच्छा उसके बाद 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289 जो हो जाएगा 64, और ये आ जाएगा x स्क्वायर, 64 को उठाकर इस साइड पर ले आएंगे, माइनस 64 हो जाएगा, और x स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कीजिए क्या आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। हमने x फाइंड करना है लेकिन इसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, आप दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये और ये कट, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15। आपने x फाइंड करना था तो 15 आ गया। इसको जरा समझे, x की वैल्यू यहां पर 15 होगी ना, होगी, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है, ये इसका मतलब है, ठीक है, समझ आ रही बात है। x आपने फाइंड करना था वो आ गया, आज इंशाल्लाह 15 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट देखिए, इन एन आइसोसेल ट्राइंगल द बेस BC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, इसको प्रेजेंट कर लेते हैं, बेस आपके पास क्या है, BC वो क्या है, 24 सेंटीमीटर, 28, ठीक है। उसके बाद कुछ और डाटा भी गिवन है, वो भी देखें, AB गिवन है, AB किसके इक्वल है, मेजर AB, ये किसके इक्वल होगा, AC के, और AC आगे किसके इक्वल है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा आपने इसमें फाइंड क्या करना है, साथ में ये भी बताया कि AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन इसको लिखने से पहले आप डायग्राम को बनाएंगे, आपके पास आइसोसेल ट्राइंगल है जिसमें बेस क्या है, 28 सेंटीमीटर, आइसोसेल ट्राइंगल वो होता है जिसमें टू साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसमें दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उसका जो बेस है वो 28 है, तो आप बना लीजिए ये उसका बेस है, वो क्या है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब बाकी जो उसकी दो साइड होंगी यानी AB और AC, वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, कैसे इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं, 50 के इक्वल हैं, दोनों इक्वल होंगे, यानी ये B है आपके पास और ये क्या है, C है, A यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ पर होगा A, तो A से B आपके पास क्या है, A से B है आपके पास 50 सेंटीमीटर, और फिर A से C यानी किस तरह, ये भी आपके पास क्या है, ये भी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये सारा आपको गिवन था, आगे आपने फाइंड क्या करना है, कहते हैं एक और चीज दी है, AD जो है BC के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, ये लिखा है, ये भी गिवन है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि A से लाइन एक आएगी और यहां पर कहीं D होगा उसके ऊपर वो क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी उसके साथ 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है, नहीं इस तरह, यहां से आप उसको लाइन को ड्रॉ करो, ये बन गई AD, AD जो लाइन है ये BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी उसके साथ कितने का एंगल बना रही है, 90 का इधर भी और 90 का इधर भी बनाएगी, ठीक है। तो इसने इसको हाफ हाफ भी कर दिया, यानी हाफ इधर कर दिया और हाफ इधर कर दिया, यानी इस लाइन ने इसको BC को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है वो लिखे साइड पर, जो आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ AD, क्या फाइंड करेंगे आप, लेंथ ऑफ AD, AD की लेंथ फाइंड करनी है, और सेकंड में आपने क्या बताना है, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी इस ट्राइंगल का आपने एरिया भी फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी का आपने एरिया भी फाइंड करना है। इस साइन का मतलब भी ट्राइंगल का एरिया ही होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लेंथ ऑफ एडी फाइंड करते हैं। यानी गिवन क्या था, एक आइसोसेल ट्राइंगल है जिसका बेस 28 सेंटीमीटर है और इसकी एक साइड ए बी 50 सेंटीमीटर, दूसरी भी क्या है 50 सेंटीमीटर है इसी, ठीक है। तो उसमें ए से डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने, और उस परपेंडिकुलर यानी ए डी की जो लेंथ है ना, ये वाली ए डी की लेंथ यानी ये आपने फाइंड करनी है। समझ आ रही है ना। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो वेरी सिंपल देखो, अगर ये 28 था तो जब मैंने इसका हाफ किया तो 14 इधर हो गया और 14 इधर हो गया ना। समझ आ रही बात की। अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल है, इसको मैं अलग से बनाकर दिखा, यानी इस तरह के ट्राइंगल बन गए, एक ये बन गया और एक ये ट्राइंगल बन गया। इसको मैं अलग अलग करूं तो ये ट्राइंगल बन जाएंगे। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस हिस्से को आपने देखना है, यानी इसको देखें, इसमें हाइपोटेनस ये है वो गिवन है 50, इसमें बेस भी गिवन है वो क्या 14। तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपने फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। समझ आ रही बात की। जब बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की बात हो रही हो तो हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पैथागोरस। कौन सा लगाएंगे, पैथागोरस। यहां पे हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब वो थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड देन बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस आपके पास क्या है 50, उसका स्क्वायर आएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर, आपने क्या करना है फाइंड करना है, ये वैसे ही आएगा। बेस क्या है आपके पास 14 है, 28 नहीं होगा 14 होगा, ठीक है। यहां पर 14 लगा देंगे, 50 का स्क्वायर होगा 2500 पी स्क्वायर और ये आएगा 196 आएगा। 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, इसको उठा के इस साइड पर ले आओ -196 और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर वैसे आएगा। इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा 2500 से 196 माइनस करें तो ये आएगा आपके पास 40 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 और ये 2 आएगा। यही है, यही है, यही आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इससे कट हो जाएगा। अब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है तो वो आपके पास आ ये आएगा आपके पास 48, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 48। तो इसका मतलब क्या होगा, भला इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो परपेंडिकुलर आया है ये कितने सेंटीमीटर का है, 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया 48 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, यानी ये पूरा जो ट्राइंगल है, ये वाला नहीं, ये सारे का सारा जो ट्राइंगल है उसका आपने एरिया फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, वो है एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए यहां पर लेंथ आपके पास क्या है, लेंथ आपके पास 28 है, लेंथ आपके पास क्या है 28, यहां पर आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई ब्रेथ आपके पास क्या है, वो आपके पास नहीं है, वो हाइट है, यानी आप यहां पे ब्रेथ भी लिख सकते हो और हाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे ब्रेथ भी लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं। तो हाइट है आपके पास, यानी आपने लेंथ को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, हाइट के साथ। ट्राइंगल की हाइट कितनी है, वो कितनी है हाइट, अभी हमने फाइंड किया ट्राइंगल की हाइट कितनी है 48 सेंटीमीटर, ट्राइंगल की हाइट कितनी हमने फाइंड की है 48। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 48 के साथ, एरिया आ जाएगा आपके पास ट्राइंगल का 48 को मल्टीप्लाई करें आप 48 के साथ, तो ये आएगा 1, 3, 4 and 4, इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी 3, 13, 4, 4 को 2 के साथ आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 672
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके साथ ही प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6 वाला करेंगे पहले, 5 को हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है, और 6 वाले को भी पार्ट 2 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो इसमें कर लेंगे, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें देखिए जरा ट्रायंगल है आपके पास, इसको देखना, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ट्रायंगल इसमें बनाए आप, ये ए एंड देन बी और सी और उसके बाद ये डी, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर है, ए बी लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर, ये जो एक्स है ना, ये जो ये वाला एक्स आपने फाइंड करना, यानी बी डी फाइंड करना है, ये लेंथ कितनी होगी ये आपने फाइंड करना, ये साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। अगर आप इसमें गौर करें जो आपने एक्स फाइंड करना है उसमें ये x कैसे आ सकता है, देखिए अगर तो ये x आपने फाइंड करना है ना, बेस फाइंड करना है, तो आपके पास हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर का होना जरूरी है, ठीक है। मसला ये है कि आपके पास हाइपोटेनस तो है, परपेंडिकुलर नहीं है, जब परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा तो फिर आप ये वाला बेस भी फाइंड कर सकते हैं, समझ आ रही बात है, नहीं आ रही। अब ये परपेंडिकुलर कैसे आया आपके पास, अगर हम ट्राइंगल के दो हिस्से करें, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, पहले हम इसको सॉल्व करें, यानी इसमें बेस भी गिवन है, हाइपोटेनस भी गिवन है, इसमें पाइथागोरस लगाकर परपेंडिकुलर फाइंड कर लोगे, जब परपेंडिकुलर आ जाएगा तो आप परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस भी गिवन है, ये परपेंडिकुलर इसका भी है और इसका भी है, तो परपेंडिकुलर जब आ जाएगा तो फिर हम इसका क्या करेंगे, बेस फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपने हाइट AD यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर, जी तो जिसके इक्वल होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर, ये क्या आपके पास क्या है 13 है, ठीक है, यहां पर लिखेंगे 13 और उसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, परपेंडिकुलर वैसे ही आएगा, बेस की जगह पर आपने क्या लगाना है 5 लगाना है, ठीक है, ये आ जाएगा 169, ये 169 कैसे आएगा 13 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 169 के इक्वल होगा, 25 को उठा के इस साइड पर ले आओ, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 144 आएगा, ठीक है। अब आपने क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है दोनों तरफ आप क्या लेंगे स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा 12 आएगा, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ जाएगा 12, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास हाइट कितनी आ गई इसकी 12। एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक्स फाइंड करना है। अब देखिए आप इस ट्राइंगल को देखो, अब आपके पास हाइपोटेनस भी है परपेंडिकुलर भी है, अब बेस आ जाएगा आपके पास एक्स आ जाएगा ना जो आपने फाइंड करना है, तो अगेन आप क्या करेंगे, गुड, चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड देन बेस स्क्वायर, तो एज आपके पास क्या है 15 है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 12, ये भी आपने फाइंड किया, और बेस क्या है वो x है, जिसकी जगह पर x पुट करेंगे 15 का स्क्वायर होगा 225144 और ये x स्क्वायर वैसे ही आएगा, ठीक है, इसको उठा के साइड पर ले आएंगे। आप इन दोनों को माइनस करेंगे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 225-144 तो आएगा 81, ठीक है, क्या ये आपका आंसर है, नहीं, अभी आपने स्क्वायर रूट पता करना है, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 9 आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और ये x आ गया, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी तो आपके पास क्या आ गई 9 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है,
A plane is at the height of 300 meter and is 500 meter away from the airport. At John, how much distance will it travel to land at the airport? यानी एक एरोप्लेन है वो 300 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, जहां जमीन के जिस हिस्से के ऊपर वो फ्लाई कर रहा है ना, वहां से लेकर, यानी ये फ्लाई कर रहा है वो, यहां से लेकर एयरपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है उसका वो क्या है, 500 मीटर। तो कहते हैं इसको एयरपोर्ट पे आने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो वो कहां से आएगा, ऐसे ही उतरेगा ना एयरपोर्ट पे इस तरह, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये ए बी और ये क्या है, यानी ये आपने एक्स फाइंड करना है, यानी हाइपोटेनस आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है ट्राइंगल बन जाएगा, और ट्राइंगल में आपने जब ये वाली लाइन फाइंड करनी है, ये हाइपोटेनस जब फाइंड करना है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो आएगा आपके पास हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड देन बेस स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाइपोटेनस आपने फाइंड करना है और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 300, इसका स्क्वायर आएगा, बेस आपके पास 500, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वैसे आएगा, इसको लिखेंगे 9 और इसको क्या लिखेंगे 5540, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 34 और 40 लगाएंगे, दोनों तरफ आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आपके पास आएगा 583.09। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या आएगा 583.09, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 भी देखें, अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग rest against a vertical wall. अच्छा, इसको साथ साथ मैं पढ़ूंगा, साथ साथ लिखूंगा। लैडर क्या होता है, लकड़ी की जो सीढ़ी होती है लोहे की, जो आपने देखा होगा गांव वगैरह गली मोहल्ले के अंदर, वो बाहर जो लोग काम कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो वो सीढ़ी लगाते हैं। अब सीढ़ी के लिए आपको पता है कि दीवार का होना बहुत जरूरी है, दीवार के साथ ही लगाएंगे ना सीढ़ी, तो वर्टिकल वॉल उसने डिस्कस भी किया होगा, तो ये आपके पास क्या है, दीवार है। अच्छा, दीवार की लेंथ कितनी है, वो गिवन नहीं है, ठीक है। हाँ, सीढ़ी की लेंथ गिवन है, जो लैडर है उसकी लेंथ गिवन है, तो वो लेट करें दीवार है तो उसके साथ फिर जमीन भी होगी, ठीक है ना, जमीन के ऊपर आप दीवार बनाते हैं उसके ऊपर सीढ़ी लगाएंगे, तो ये सीढ़ी लगी है इस तरह, समझ आ रही बात की, इसको आप यूं बना लेंगे थोड़ा सा और भी इस तरह समझ आ रही है। Yes, sir. अच्छा, अब इसकी लेंथ की बना है, सीढ़ी की जो लेंथ है वो की बना है, वो क्या है 17 मीटर। उसके बाद द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। देखिए, जो सीढ़ी का पांव है ना, जो फुट है, वो इस दीवार से 8 मीटर के पास ले पा रहा है, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच। कहते हैं कि जहां पर सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा पहुंच रहा है ना, ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, वहां से लेकर और यहां तक दीवार का डिस्टेंस क्या होगा, समझ आ रही बात की, यानी सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा दीवार के साथ जहां लगा हुआ है, वहां से लेकर नीचे तक दीवार की हाइट कितनी होगी, यानी आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, समझ आ रही है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए भी आपने कौन सा थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, बेस आपके पास क्या है 8, तो इसको लिखेंगे 289 और ये आपके पास एक्स स्क्वायर वैसे 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 289 64 को इधर ले आएंगे और ये आएगा आपके पास 9 में से, हाँ बिल्कुल 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा और ये 2 वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 15 आएगा, तो ये मीटर में इसकी लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ
आपकी दीवार की जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, 15 है। तो देखिए ये कितना जबरदस्त तरीके से हमने कर लिया, ना हम जो ना वो मेजरिंग टेप लेकर ऊपर गए ना नीचे, हमारे पास सीढ़ी की लेंथ जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन होती है, और जो नीचे डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, आप उस दीवार की हाइट फाइंड कर लेंगे सीढ़ी के ऊपर चढ़े बगैर, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको जरा जबरदस्त तरीके से आपने देखना है। कहता स्टूडेंट ट्रेवल टू द स्कूल बाय द रूट एज शॉन, एक रूट दिया गया है कि स्टूडेंट उस रूट को फॉलो करते हुए अपने स्कूल जाता है। तो अब वो रूट हम बना लेते हैं, ये उसका स्कूल है, ठीक है, पॉइंट डी तो इसका क्या है स्कूल है, यहाँ से वो ये पॉइंट सी है, यानी आपको पता है वो टर्न वगैरह आते हैं गलियों के, ठीक है ना, ये एक गली है और फिर एक गली उधर को टर्न हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये नीचे को टर्न हो रही है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस स्कूल में आते हैं तो वो भी इसी तरह ही तकरीबन अपनी गली को चेंज करके टर्न ले रूट कर आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कईयों का बिल्कुल सामने भी घर होता है तो बिल्कुल सीधे भी आ रहे होते हैं, कहीं एक दो गली चेंज करके भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसकी कुछ मेजरमेंट है, ये 2 किलोमीटर है और ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर, यानी ये रोड क्या है 2 किलोमीटर और ये वाला रोड 6 किलोमीटर है, ठीक है, और उसके बाद 3 किलोमीटर ये है। अच्छा, ये उसने मेंशन भी किया हुआ है, ये हाउस है और ये बस स्टॉप है, ठीक है, और उसके बाद ये वैसे ये कॉर्नर है और उसके बाद ये स्कूल आ रहा है, यानी ये उसका घर है। एक स्टूडेंट अपने घर से निकलते 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद या वैसे कोई लिफ्ट कह लेंगे या किसी और तरीके से जाने के बाद पॉइंट बी पर आएगा, तो बस स्टॉप है, वहां से बैठेगा, 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पॉइंट सी पर आएगा और वहां से फिर 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने स्कूल पहुंच जाएगा। अब आगे देखें, जरा स्टेटमेंट देखें, कहता फाइंड द मेजर एडी द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्कूल टू हाउस, कहता आपने इसके स्कूल से इसके घर तक का डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बताइए जरा, यानी ये तो बाय रोड है ना, अगर आप डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहें इसके घर और स्कूल से तो वो उसकी लाइन ड्रॉ कर दिया, वो क्या होगा, वो ये नहीं होगी, ये डायरेक्ट डिस्टेंस होगा और ये क्या बनेगा आपके पास, दो ट्रायंगल ए डी, ए और बी, ये आपने ए डी फाइंड करना, ठीक है। तो इसको जरा देखें, बड़ी अजीब सी जो ना वो सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन करूं, यानी अगर मैं मैंने ए डी फाइंड करना है ना, तो अगर मैं इसको यू नीचे ले आऊं थोड़ा सा नीचे इस तरह, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, और इस ए को इस पॉइंट के साथ मिला दूं इस बी सी के पैरेलल, यानी यू इस तरह, तो समझ रही बात, यानी अगर मैं सी को थोड़ा नीचे ले आऊं बी ए के पैरेलल, पहले तो ये समझे कि ये डायग्राम ऐसी थी, अगर ये इस तरह की डायग्राम हो, ये ऐसी डायग्राम है जिसके ऊपर आप कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते, हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ऐसी फॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे होगा, पैथागोरस थ्योरम के लिए ट्रायंगल का होना जरूरी है ना, तो ट्रायंगल कैसे कंप्लीट करेंगे, हाइपोटेन्यूस तो बन गया, तो मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ, कहते ये बी सी है, इसके पैरेलल एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह, ये देखा है, और बी ए के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह, तो समझ रही बात। अगर आप गौर करें, इसका मैं नेम रखता हूँ ई, अगर आप गौर करें ये ट्राइंगल ही बन गया, कैसे बना, ए डी और ई, ए डी और ई, बात की समझ आ रही है, मुझे पॉइंट क्या करना है बताइए जरा, मुझे पॉइंट करना है ए डी, यानी हाइपोटेनस पॉइंट करना है, समझ आ रही है। अच्छा, तो मुझे अगर हाइपोटेनस पॉइंट करना है तो मुझे पूरी लेंथ का पता होना जरूरी है, ये है 3 किलोमीटर लेकिन ये मुझे पता ही नहीं कितनी है, ये 2 किलोमीटर है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके पैरेलल थी ना ये वाली, तो ये क्या होगी 2 किलोमीटर, तो ये दोनों मिलाकर टोटल कितनी होगी 5 किलोमीटर, समझ आ रही बात है। अच्छा, ये बेस भी बताना जरूरी है आपको, वो आपके पास क्या है 6 किलोमीटर,
तो समझ आ रही बात? अब आपने फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, केडी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसमें आप पैथागोरस सूत्र लगाइए। एज आपके पास क्या है? एज वही आपके पास एडी आएगा, यहाँ पर एडी लिख लो और ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? 3 5 5 लिखेंगे, ठीक है? ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। बेस आपके पास क्या है? 6 है। एडी आपके पास ये आ गया 45, ये 36 आ जाएगा। इन दोनों को आपने क्या करना है? प्लस करना है। 61 आएगा, 61 आएगा, बिल्कुल। अब आपने दोनों के ऊपर क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो ये इससे कट हो जाएगा, तो माइनस ए डी आपके पास क्या आ जाएगा? 61 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.81। बिल्कुल, पॉइंट में आप इसको लिख लें 7.81 किलोमीटर। तो ये आप अच्छा, इसमें एक और चीज देखें, यानी ये डायरेक्ट डिस्टेंस का क्या होगा? 7.81 किलोमीटर आ जाएगा। इसको थोड़ा देख लें, अगर तो वो डायरेक्ट जाता है अपने घर से स्कूल की तरफ तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 7.81। लेकिन अगर वो डायरेक्ट नहीं जाता, 2 ये हो गया, 6 ये हो गया, 8 8 और 3 11, तो इस तरह उसको बाय रोड अगर जाना पड़ता है तो तकरीबन 11 किलोमीटर। अगर वो डायरेक्ट जाएगा अपने घर से स्कूल तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 7.81 किलोमीटर, ठीक है? तो ये था प्यारे बच्चों आपका आज का ये लेक्चर। इसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में करेंगे।